डियर लर्नर, मैं दिनेश कुमार बाबा मोनी जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तो तुहाडे लई अज दा टॉपिक है स्टेक होल्डर्स इन करिकुलम डिवेलपमेंट बी एड सैकेंड सेमेस्टर दी करिकुलम डिवेलपमेंट दी बुक चो। स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं करिकुलम नू डिवेलप करन दे विच, उनू इंप्लीमेंट करन दे विच। उसनू आपां अगे डिस्कशन करांगे। सब तो पहला करिकुलम की है तुहानू सब नू पता है, जिस तरह असीं पुराने लैक्चर दे विच डिस्कशन कीता है। करिकुलम पुराने जिन्ने भी स्टेट बोर्ड है या सेंटर बोर्ड है वो यूज़ करते सी सिलेबस वर्ड, बट हुन काफ़ी टाइम तो हर कोई हर इंस्टीट्यूशन हर बोर्ड करिकुलम दा वर्ड यूज़ करन लग गया है। करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, तो करिकुलम असी उन्हों लेके चलते हाँ। हुन स्टेक होल्डर की है? स्टेक होल्डर ओहो पर्सन और इंस्टीट्यूशन जिन्हां दा स्कूल करिकुलम दे विच रोल है या उन्हां नाल अटैच ने किसी भी पक्ष तो ओहो करिकुलम दे नाल जुड़े हुए ने, असी उन्हों स्टेक होल्डर मानते हाँ। हुण स्टेक होल्डर केड़े ने? स्टेक होल्डर ने लर्नर, जिहड़ा कि सब तो सेंट्रल की पॉइंट मन्निया जांदा है करिकुलम दा, जिन्हां लई असीं बनाने हाँ। फिर है टीचर जिन्हां वल्लों इह बनाया जांदा है। एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्हां वल्लों इह करिकुलम इंप्लीमेंट कीता जांदा है और लास्ट ते इवैल्यूएट कीता जांदा है कि जिहड़े गोल रखे गए सी ओह प्राप्त होए या नहीं होए। नैक्सट है पेरेंट्स दा सब तो इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर पेरेंट्स से चाहता है कि जेड़ा भी करिकुलम साडे बच्चों नूं दिता जा रहा है या जेड़ा पढ़ाया जा रहा है या जो एक्टिविटी कराई जा रही है वो क्वालिटी बेस्ड हो, क्योंकि वो पे करते हैं। नैक्सट है कम्यूनिटी मैंबर चाहे वह मिनिस्टर्स होन, स्टेट गौरमेंट्स होन, या वह साडे पिंडां दे विच सरपंच होन या एन जी ओज होन। हर कोई ये चाहता है भी यही जी एजुकेशन और करिकुलम प्रोवाइड करवाया जाए जेड़ा कि सोसाइटी दी फ्यूचर दे लई बेनिफिट होवे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी यही चाहती कि जिहड़ी एजुकेशन असी दे रहे हाँ वह कम्यूनिटी दे लई बेनिफिट वाली होवे। नैक्सट आप वन बाय वन हुण डिस्कशन कर रहे हाँ। फस्ट है लर्नर जेड़ा है वह मेन की पॉइंट है जिन्हां दे लई करिकुलम नूं डिवेलप किया जाता है, और डायरैक्टली जेड़ा है वह इनफ्लुएंस होंदे ने, क्योंकि लर्नर ही जेड़ा है जिन्हां दे उपर उन्हों इंप्लीमेंट किया जाना है। लर्नर ने ही एक्टिविटी करनी है, तो मन के चलिए प्राइमरी स्टेक होल्डर जेड़ा है वह लर्नर ही है, क्योंकि उहदी एक्टिविटी और डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट लर्नर दी ही होनी है। तो हर जदों भी असी करिकुलम डिवेलप करते हैं या उन्हों इंप्लीमेंट करते हैं तो असी कुछ गल्लां बहुत ध्यान च रखते हैं, जिवें कि एज किन्हां दे लई असी करिकुलम बना रहे हैं, उन्हां दा मेंटल लैवल की है, उन्हां दा एज लैवल की है, जिन्हां लई करिकुलम बना रहे हैं उन्हां दा जेंडरस की है, मेल लई फीमेल लई। कई बार असी करिकुलम इह जाना बनाइए जिहड़ा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होवे, तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने असी ध्यान च रखते हैं। PME डिवेलपमेंट, फिर असी PME मतलब कि असी जिहड़ा मेन है साडा वो है फिजिकल मेंटल इमोशनल डिवेलपमेंट, असी बच्चे दे विच ये जरूर असी ध्यान च रखते हैं भी असी यह जी एक्टिविटी कराइए जिहड़ा उन्हां लई फिजिकली मेंटली ते इमोशनली डिवेलप होए। असी यह जा करिकुलम दे जिहड़ा कि गोल्स जिहड़े साडे गोल्स ने उन्हां नूं असी ध्यान दे विच रख के बनाइए, ते प्लस कल्चरल
बैकग्राउंड कल्चरल बैकग्राउंड मतलब कि असी जिन्हां दे लई बनाया उन्हां दी कम्युनिटी का की बैकग्राउंड है, असी किहड़े कल्चर नूं लैके चले हाँ, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर हुंदा है, हर सोसाइटी की एक अपनी कल्चरल बैकग्राउंड हुंदी है। क्योंकि कोई भी बच्चा है, चाहे वह ए बी सी कोई भी बच्चा हो, हर किसी का अपना कल्चरल बैकग्राउंड हुंदा है, हर एक बैकग्राउंड तो आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड तो आते हैं, हर किसी का गोल ने, असी एम रखते हैं, वह सारिया चीज़ों ध्यान च रख के ही जड़ा है वह करिकुलम डिवेलप किया जाता है। नैक्सट असी पढ़ रहे हैं इस तो बाद वो है टीचर। टीचर वो परसन है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसैस का दूसरा कॉइन है, क्योंकि वो ही प्राइमरी रोल अदा करता है, मेजर रोल अदा करता है प्लैनिंग करन दे विच, राइटिंग करिकुलम दे विच, करिकुलम मेकर दे विच, क्योंकि उसने ही प्लैन करना है कि असी बच्चियां नू थ्रू आउट सारे ईयर दे विच की प्रभाव देना है, केड़ी एजुकेशन देनी है, उदे विच की टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, क्योंकि करिकुलम बनाना किसने है, वह टीचर ने बनाना है, टीचर ने अपने एक्सपीरियंसिस जिहड़े है वह प्रोवाइड कराने ने, क्योंकि टीचर क्लासरूम दे विच लैसन प्लैन करता है, यूनिट प्लैन भी करता है, ईयरली प्लैन भी करता है, सारा कुछ वह टीचर ने करना है, ऐसे चीज़ नूं ध्यान दे विच रख के ही वह जिहड़ा स्टेक होल्डर है, वह सब तो ज़्यादा टीचर बहुत ज़्यादा प्राइमरी जिहड़ा स्टेक होल्डर मन्या जाता है, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपीरियंस क्रिएट करने ने, अपने जिवें जिवें उन्हों एक्सपीरियंस होणगे उस तरह वो एक्टिविटी उहदे विच इस्टैबलिश करेगा, एक्सपीरियंस बच्चों नूं देगा, जिहे जिहे जे उन्हों एक्सपीरियंस, चाहे वह एक्टिविटी के रूप दे विच होन, चाहे वह गोल के रूप दे, नीड इंटरस्ट के रूप दे विच होन, ठीक है, वह सारा कुछ उन्हां नूं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। वह टीचर होएगा जिहड़ा कि करिकुलम दे विच इस्टैबलिश करेगा, प्लस एज वैल एज मोडिफाई करेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जिस तरह लगेगा स्टूडेंट्स नूं कि या स्टेट गौरमेंट नूं कि करिकुलम दे विच चेंजिस लियान की जरूरत है, या जिहड़े ऑब्जेक्टिवस रखे गए सी वह पूरे नहीं हो रहे, वह टीचर्स ही होएगा जिहड़ा उन्हों मोडिफाई करेगा। तो ये नाल ही जिहड़ा स्टेक होल्डर टीचर है वह होर कई रोल्स अदा करता है करिकुलम डिवेलपमेंट दे विच, क्योंकि वह टैक्सट बुक की कमेटी का भी हुंदा है, फैकल्टी सिलेक्शन बोर्ड का मैंबर भी उही हुंदा है, स्कूल इवैल्यूएशन कमेटी का भी मैंबर उही हुंदा है, टैक्सट बुक नूं रिटन करन दे विच भी टीचर का रोल हुंदा है, चाहे वह अलग अलग टीचर हो, कोई टीचर करिकुलम डिवेलपमेंट कर रहे हैं, कोई टीचर टैक्सट बुक कमेटी है, कोई टीचर फैकल्टी सिलेक्शन बोर्ड के विच है, कोई टीचर स्कूल इवैल्यूएशन कमेटी के विच है, कोई टीचर टैक्सट बुक राइटिंग के विच है, हर टीचर का अपना अपना रोल है, क्योंकि टीचर जिहड़ा है वह करिकुलम बनाने दे विच मददगार साबित हुंदा है। नैक्सट असी कर रहे हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स वो ने जेडे कि सानू पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेन रोल है जेड़ा कि करिकुलम नू एक प्रॉपर शेप देंदे ने, क्योंकि उन्हां दी इनवॉल्वमेंट सपोर्टर भी उही ने, क्योंकि जिहे जा करिकुलम अगर उन्होंने नहीं लगता कम भी साढ़े सूटेबल है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो ही अपनी गल बच्चों की गल जी है वह टीचर्स तक पहुँचता करते हैं, स्टेट गौरमेंट तक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, पेरेंट्स ही अपनी गल टीचर्स तक रखते हैं, तो टीचर्स जी अगे गल है वह अपनी हैड्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स जिहड़े आ वह मेन स्टेक होल्डर ने, इस करके पेरेंट्स का जिहड़ा है वह बहुत वड्डी स्टेक होल्डर मन्या जाता है, इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पेरेंट्स ही जिहड़े है वह बच्चों की जिहड़ी है वह पे करते हैं, तो इस दे बदले वह चाहते हैं कि बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस मिले, साढ़े बच्चों उनका मेन यही सेंटर पॉइंट होंगे कि असी पे कर रहे हैं तो साढ़े बच्चों जिहड़ी चीज़ करिकुलम मिल रहा है, करिकुलम डिवेलप किया जा रहा है, वह हाई क्वालिटी वाला हो, ठीक है ना, तो
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਰੀਕੁਲਮ ਵਧੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਡੇਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।